जय माता की। सबसे पहले आपको और आपके परिवार को नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। जानेंगे हिंदू पंचांग और कैलेंडर के अनुसार अब की बार नवरात्रों का शुभ मुहूर्त क्या है। साथ में जानेंगे विशेष मुहूर्त जिसको हम अभिजीत मुहूर्त भी कहते हैं, जिसमें कलश स्थापना करना सर्वश्रेष्ठ उत्तम माना जाता है। इसके बाद जानेंगे कलश स्थापना की विधि। साथ में जानेंगे कलश स्थापना करते समय हम कौन सी गलतियाँ करते हैं। संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी, लेकिन उससे पूर्व आपसे निवेदन करते हैं कमेंट बॉक्स को खाली ना छोड़ें। कमेंट बॉक्स में जय माता की जरूर लिखें। माता की कृपा से आपकी संपूर्ण मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और आने वाले कष्टों का अंत जरूर होगा। 9 अप्रैल 2024 मंगलवार के दिन पहला नवरात्रा है और इसी नवरात्रा पर कलश स्थापना होगी। अब की बार नवरात्रा में 4 राजयोग भी बन रहे हैं, जो कि काफ़ी दुर्लभ संयोग माना गया है, इसलिए नवरात्रा करना बिल्कुल भी ना भूलें। घट स्थापना या कलश स्थापना मुहूर्त की जो अवधि की शुरुआत है, जो शुभ मुहूर्त है, उसकी शुरुआत सुबह 6:05 से होती है। सुबह 6:05 से लेकर आप 10:16 के मध्य कलश स्थापना कर सकते हैं। ये भी कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त है। इसके अलावा कलश स्थापना का सबसे शुभ मुहूर्त, जिसको हम अभिजीत मुहूर्त कहते हैं, उसकी शुरुआत सुबह 11:57 से होगी। 11:57 से लेकर दोपहर 12:47 तक रहेगा, यानी कि इसकी कुल अवधि 50 मिनट है। इस मुहूर्त में यदि आप कलश स्थापना करते हैं तो वो काफ़ी उत्तम माना जाता है। कलश में सभी देवी देवताओं का निवास होगा और माता भी आपसे प्रसन्न होगी। लेकिन आप यदि इन दोनों मुहूर्तों में, जो पहला मुहूर्त है वो 4:11 का है और जो दूसरा मुहूर्त है जिसको अभिजीत मुहूर्त कहते हैं वो 50 मिनट का है, इन दो मुहूर्त में यदि आप कलश स्थापना नहीं कर पाते हैं तो आप नवरात्रा यानी कि पहले नवरात्रा के दिन कभी भी कलश स्थापना कर सकते हैं। लेकिन राहु काल में कलश स्थापना बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि राहु काल में नेगेटिव एनर्जियों का प्रभाव ज़्यादा रहता है। 9 अप्रैल मंगलवार के दिन राहु काल का जो समय रहेगा वो 3:33 से लेकर 5:08 तक रहेगा, या यूँ कहें 3:30 से लेकर 5:00 के मध्य आप कभी भी कलश स्थापना बिल्कुल भी ना करें। इस बात का खासा ध्यान रखें।